रास्ते से लौटी बारात। रीवा में 35 साल का दूल्हा 14 वर्ष की बालिका से कर रहा था शादी। जिला प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत बेड़ौहा गांव में जिला प्रशासन ने बाल विवाह रुकवा दिया है। पुलिस के मुताबिक महिला बाल विकास विभाग को 35 साल के दूल्हे से 14 वर्ष की बालिका से शादी होने की सूचना मिली थी। ऐसे में संयुक्त रूप से महिला बालिका राजस्व पुलिस विभाग ने दाबिश दी, जहां पता चला कि बारात रास्ते में है। कुछ ही देर बाद वर पक्ष के लोग गांव पहुंचने वाले हैं, जबकि वधू पक्ष के लोग मेहमानों के लिए खाना बनाने में व्यस्त थे। तब नायब तहसीलदार ने बालिका की उम्र संबंधी प्रमाण पत्र मांगे, कम निकलने पर समझाइश दी गई। अंततः जिला प्रशासन की दखल अंदाजी के बाद परिजनमा ने और रास्ते से ही बारात को लौटा दिया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार मिश्रा ने बताया कि सोमवार की शाम बेड़हवा गांव के कोरी परिवार के घर में बाल विवाह होने की सूचना महिला बाल विकास द्वारा दी गई थी। जांच में पता चला कि ननिहाल में रहने वाली 14 साल की बच्ची का विवाह 35 साल के युवक के साथ तय हुआ है, जिसकी बारात रात में चित्रकूट से आनी है। ऐसे में महिला बाल विकास विभाग ने राजस्व अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए सहयोग मांगा था। तब सोमवार की रात 8 बजे सिरमौर की परियोजना अधिकारी नायब तहसीलदार पारसनाथ मिश्रा सहित बैकुंठपुर थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने बताया कि टीम जब मौके पर पहुंची तो घर में शादी की तैयारी चल रही थी। एक तरफ भोजन तो दूसरी तरफ बारात के स्वागत की तैयारी चल रही थी। तब अधिकारियों ने बच्ची के परिजनों से बात की, उन्हें समझाइश देकर कहा कि बाल विवाह अपराध है, अगर इस तरह हुआ तो सख्ती दिखानी पड़ेगी। ऐसे में परिजन मान गए। फिर जिम्मेदारों ने वर पक्ष को मोबाइल पर सूचना दी। ऐसे में रास्ते से ही बारात लौट गई। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।